बैठिए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास, कहाँ से आए हैं? होजाई डिस्ट्रिक्ट आसाम। होजाई डिस्ट्रिक्ट आसाम से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? बीकॉम किया सर। बीकॉम किया है आपने? अच्छा अच्छा, बीकॉम किया है आपने। बीकॉम आपका कब कंप्लीट हुआ आशीष जी? 2008 में। अच्छा अच्छा, 2008 में आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं? जानता हूं सर। कब से चलाते हैं गाड़ी? 2003 से। 2003 से, यानी अप्रोक्सीमेटली 20 साल से आप गाड़ी चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप हमें ये बताएं कि आप कौन कौन सी गाड़ी चलाना जानते हैं? मारुति इकोवैन। मारुति इकोवैन। अच्छा अच्छा, और ऑल्टो। ऑल्टो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, और बस ये सब। ये सब गाड़ी चलाना जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ गाड़ी ही चलाते हैं और कुछ करते हैं आप? अकाउंट का काम करता हूँ। अकाउंट का काम करते हैं? प्राइवेट कंपनी में अकाउंट का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज रखते होंगे आप? गाड़ी के बारे में नॉलेज रखते हैं। अगर गाड़ी के बारे में आपसे कुछ पूछेंगे तो जानकारी तो आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो पेट्रोल पर चलती है या डीजल पर चलती है? डीजल पर चलती है। बहुत अच्छी बात है। स्कॉर्पियो गाड़ी कितने सिलेंडर की गाड़ी है आशीष? फोर सिलेंडर गाड़ी है। कंफर्म है आप? फोर सिलेंडर है ये, कंफर्म है आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसमें इंजन ऑयल यानी मोबिल कितना डाला जाता है स्कॉर्पियो में? 7 to 8 liter। 7 to 8 liter कंफर्म है? दुनिया के सारे स्कॉर्पियो में 7 to 8 liter ही मोबिल डाला जाता है। जो मैं चलाता हूँ सर उसमें 7 to 8 liter। जो आप चलाते हैं उसका आपको पता है? दुनिया के सब स्कॉर्पियो का आपको पता? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं बताएं कि इसमें कूलेंट कितना डाला जाएगा? कूलेंट 70% 7 to 8 liter। 7 to 8 liter सिर्फ कूलेंट, या कूलेंट और पानी मिक्स करके? पानी दोनों मिक्स करके सर। कूलेंट और पानी मिक्स करके कौन ज्यादा रहेगा, कूलेंट या पानी? कूलेंट ज्यादा रहेगा सर। पानी ज्यादा रहेगा, कूलेंट कम रहेगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है आशीष, आप तो जानकारी बेहतर दे रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि मान लीजिए कि आप किसी सफर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर के जाइएगा? पहले तो जैक लेके जाना होगा सर, ठीक है, फिर एक चाकू भी रहेगा, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट कागजात क्या क्या अपने साथ लेके जाइएगा? कागजात जैसे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो आरसी बोलते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और बताइए, ये सब पेपर ही चाहिए सर। अच्छा, आप अपने लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाइए? खुद आप एक ड्राइवर है तो ड्राइवर होने का क्या पहचान है आपके पास? एक ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है आशीष, आपको काफी अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं आशीष कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सड़क के किनारे सिग्नल है और वो सिग्नल जो है त्रिभुज सेप में, ट्रायंगल सेप में, वो कौन सा सिग्नल हो सकता है? मतलब कुशनरी सिग्नल, यानी सुरक्षात्मक चिन्ह हो सकता है। अच्छा, अगर आप उस चिन्ह को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? ये चालान नहीं कटेगा। चालान नहीं कटेगा, क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, अगर उस चिन्ह का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप बिना सीट बेल्ट के अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको कितना फाइन देना पड़ेगा? 1000 rupees। 1000 कंफर्म है? ओनली 1000। चलिए, अगर आपके बाजू वाला कोई होगा को पैसेंजर, वो अगर बिना सीट बेल्ट के चल रहा है, फिर उसका भी तो कट जाएगा? उसका भी चालान कट जाएगा। कितना कटेगा? सेम कटेगा, कंफर्म है आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, ठीक है, या सपोज कि आरसी फेल है, आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी फेल है आपकी गाड़ी का और आप उसको रोड पे चला रहे हैं, आपको फाइन भरना पड़ेगा या नहीं? भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 20,000। कंफर्म है आप? 10,000 या 20,000? 20,000 देख लीजिए आप, कंफर्म है आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप आसाम से बिलोंग करते हैं, चलिए वहां के आप भौगोलिक दशा के बारे में कुछ बता सकते हैं? वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशन स्पेसिफिकली बोल देना सर, क्या बोलेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि वहां के अगर बारिश के बारे में बताना हो तो बारिश के बारे में क्या कह सकते हैं? बारिश 180 to 200 centimeters ऐसा कुछ होता है सर। 180 to 200 centimeters। बाढ़ का प्रकोप है आसाम में या नहीं है? बाढ़ बहुत ज्यादा है सर। बाढ़ बहुत ज्यादा है, इसके निदान के लिए गवर्नमेंट हमारी क्या काम कर रही है सर? वो जो स्टेप ले रहे हैं सर, वो एक भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है सर। जितना भी स्टेप लिया जा रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है, नहीं हो रहा है सर। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। अच्छा, किस पार्टी से हैं?
बीजेपी से, बीजेपी से। राज्यपाल क्या कौन है आपके राज्य के? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, मुखी, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो लोग आसाम के उत्थान के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। आप हमें ये बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कौन है? तस्मीन आफ्ताब। तस्मीन आफ्ताब, कंफर्म है आप? चलिए, उनसे आपने कभी कभी मुलाकात हुई है उनकी? नहीं सर, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, अभी आपके जिले के एसपी कौन है? एसपी सर बरुणपुर के। अच्छा अच्छा, मतलब वो आसामी मूल के हैं? एक्चुअली पुरकेश तो बंगाली लिखता है सर। अच्छा अच्छा, बंगाली मूल के हैं। मुलाकात हुई है कभी उनसे? नहीं, बातचीत हुई है कभी? चलिए, आपने उनको कभी देखा है सामने से? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ आप होजाई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, होजाई का कुछ ऐसा बताइए जो वहाँ का फेमस हो, जिला के बारे में, अपने जिला में फेमस बात बताएं। फेमस सर उसी एरिया में ज्यादा तालाब ज्यादा है सर। तालाब ज्यादा है उस एरिया में? तालाब ज्यादा होने का ये रेन शेडो एरिया सर। रेन शेडो एरिया, बारिश खूब ज्यादा होता है? कम होता है सर। कम होता है बारिश? बारिश वहाँ कम होता है? कम होता है, इसके तालाब सर बना के रखा है सर। अच्छा सर, लोग तालाब बना के रखे हैं? लोग नहीं सर, वो पहले जो किंग होता था वहाँ का, किंग होते थे हाँ सर, वो लोग तालाब बना के रखे हैं। बड़ा साइज का तालाब है सर। तो बहुत ज्यादा है, एक दो तालाब है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तालाब है पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है कि आप अपने एडीआर ड्राइवर भर्ती यानी आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो ड्राइवर भर्ती की आप पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप जा सकते हैं।